लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान है जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान है जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से दो साल में, चार साल में, छह साल में, आठ साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है, वो स्थान कौन से है? तो दो स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेशा रेशा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया, इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तुमने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी पांच साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया, ने मम्मी मैं तो जींस लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड आठ दिन में, चार दिन में, छह दिन में, दो दिन में, पांच दिन में, तीन दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा, आज खाया तो दो दिन में ब्लड तैयार होके तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है नहीं इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबई डुबई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे। जम के तो बोलो, गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काय के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची खुची थी तो यहां पहुंच गई, यहां। और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में तो वहां पूछ लिया हमने, हड़पसर में जाकर तो हमने पूछा, तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू टेटू है ना, टेटू टेटू बनवाया है।
हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरु जी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती, अब 700 रुपये का तूने टैटू बनवाया। अरे गुरु जी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरु जी अपना हाथ नहीं पहुँचे नहीं? हमने कहा कैसे नहीं पहुँचे, पहले दीवार पर बनाओ ने चिपक जा, कैसे नहीं पहुँचे? हम सुधरेंगे अच्छे से। तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, बस। तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी, तो नहीं पहनने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये इनंग से फट रही, और गजब की तो गजब की। अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था राम। ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र भी धारण नहीं कर, घर की बेटियां घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है।